उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को गांधी जयंती और बहादुर शास्त्री की जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी ट्रेड स्कूल इनके गृह जनपद में हुई थी और इन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए। जब ये वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके आए तब इन्होंने इनके लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। इन्होंने वहाँ जाते हुए इन्हें भारतीय के कारण बहुत अपमान भी सहना पड़ा। एक वहाँ पर ये इन्हें काला कह के बुलाया गया, इसलिए इन्होंने वहाँ रंगभेद नीति के विरुद्ध अपने सबसे पहला सत्याग्रह चलाया था। जनवरी 1915 ईस्वी में ये भारत आए और चंपारण में उस समय किसानों की बहुत बुरी दशा थी, इसलिए उन्होंने चंपारण की दशा सुधारने के लिए ये राजेंद्र प्रसाद के साथ सन 1917 ईस्वी में चंपारण पहुँचे और चंपारण जाकर इन्होंने किसानों का सहयोग किया। उस समय वहाँ चंपारण में किसानों को अपनी फसल जमींदारों द्वारा ही निश्चित दरों पर बेचनी पड़ती थी और इन पर अधिक मेहनत पड़ती थी, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। इनका दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। इन्होंने वहाँ जाकर भी किसानों का ही पक्ष लिया। वहाँ पर किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया, फिर भी जो अंग्रेज थे जबरदस्ती कर वसूलते थे और इतनी पैदावार नहीं हो पाती थी, इसलिए महात्मा गांधी ने वहाँ भी अपना योगदान दिया और इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। इनका तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में इन्होंने मिल मालिकों के साथ मिलकर उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रयास किया और इनका चौथा आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बताया था कि हमारे लिए अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए, अगर हम भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार साल भर के अंदर ढह सकती है। इसके लिए इन्होंने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। इसमें सर्वप्रथम सभी लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए और प्रदर्शन दिखाए। इसकी के साथ साथ एक खिलाफत आंदोलन भी चला जिसे हिंदू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। इसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। दांडी यात्रा में इन्होंने पानी उबाल कर नमक बनाया था। अंग्रेज जो है भारतीयों को नमक नहीं देते थे और नमक जबकि एक भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है, जैसे शरीर का किसी अंग के बिना शरीर अधूरा है, वैसे ही भोजन नमक के बिना अधूरा है। इसके लिए भी महात्मा गांधी ने प्रयास किया और अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर 24 दिन की यात्रा तय की। प्रत्येक दिन उन्होंने 10 मील की यात्रा तय की और 6 अप्रैल को समुद्र का पानी उबालकर गुजराती तटीय कस्बे में जाकर इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इनका सबसे अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। गिब्स मिशन की असफलता के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था सन 1942 में और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का भाषण दिया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये महान देशभक्त हमारे बीच से विदा लेके चले गए। धन्यवाद।